एनसीईआरटी वीडियो क्लास चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि टर्म फर्स्ट के एग्ज़ाम की डेट शीट आ चुकी है और टर्म फर्स्ट का जो एग्ज़ाम है बोर्ड का, टेंथ और ट्वेल्थ का, वो कम्प्लीटली ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम है। तो ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में ओएमआर शीट फिल करने के लिए आएगी आपको, जो भी ऑप्शन सही होगा उसके लिए ओएमआर शीट फिल करनी होगी। बट जैसा कि दूसरे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसमें ओएमआर शीट फिल करनी होती है, उसके मुकाबले में थोड़ा सा डिफरेंट है इस ओएमआर शीट को फिल करने का तरीका। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि ओएमआर शीट आपको बोर्ड एग्ज़ाम में किस तरह से फिल करनी है। फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले देखिए मैंने ओएमआर शीट या आंसर शीट रखी हुई है मेरे पास। इसमें सबसे पहले आप लिखोगे रोल नंबर, जो भी रोल नंबर होगा। जैसे सपोज करो आपका नंबर है 06586, आप रोल नंबर लिख देंगे। उसके बाद आता है डे और डेट ऑफ एग्जामिनेशन, कि जिस दिन आपका एग्ज़ाम है उसका दिन लिखना है, उसकी डेट लिखनी है। सपोज़ कीजिए आपका एग्ज़ाम है मंडे को, तो यह लिख देंगे आप मंडे, और मंडे की जो डेट है वो है 5 December 5/12/2021। ओके, उसके बाद आता सेंटर नेम, कि जहाँ जिस स्कूल में आपका सेंटर गया है उस सेंटर का आपको उस स्कूल का नेम लिखना, जो भी जिस स्कूल में भी आपका जाता है। सपोज कीजिए आपका जाता है सेंट मेरी, तो आप लिख देंगे सेंट मेरी स्कूल। ठीक है, उसके बाद आता सब्जेक्ट कोड एंड नेम। अब सब्जेक्ट कोड, जैसे मैं मैथ की बात करता हूँ, मैथ का जो सब्जेक्ट कोड है वो 041 है क्लास 12th का, तो हम इस तरह से सब्जेक्ट कोड लिख देंगे। कैंडिडेट नेम, कैंडिडेट जो भी हो उसका आप नाम लिख देंगे। सपोज कीजिए उसका नाम अमन है, हमने अमन लिखा। स्कूल कोड और नेम, स्कूल कोड और नेम का मीनिंग ये है, जैसे कि आपके स्कूल, जिस स्कूल में आप पढ़ाई कर रहे हैं, जिसमें आपका एडमिशन है, उस स्कूल का कोड क्या है। जैसे मैं कहता हूँ कि 87408, ये स्कूल कोड आ गया। और जो भी आपके स्कूल का नाम है, सपोज करें आपके स्कूल का नाम है आर्यंस, तो आप आर्यन लिख देंगे, आर्यन स्कूल। उसके बाद फादर का नाम, जो भी आपका फादर का नाम होगा यहाँ पर आप फादर का नाम मेंशन कर देंगे। फादर का नाम, सपोज करें हमने कहा उनका नाम जो है वो कबीर है, फादर का नाम कबीर है, तो ये तो आपको अपनी इंफॉर्मेशन फिल करनी है। उसके बाद देखिए ये आते हैं ओएमआर शीट, यानी कि जो क्वेश्चंस फिल करने हैं आपको, ये तरीका। तो इसमें आपको इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है कि आप ओएमआर शीट को फिल करने के लिए, इस आंसर शीट को फिल करने के लिए ब्लू बॉल पेन या ब्लैक बॉल पेन का यूज़ करेंगे। देखिए मैं जो बता रहा हूँ आपके लिए, ब्लैक बॉल पेन का यूज़ कर रहा हूँ। अब इसमें देखिए ये है, चार कॉलम की बने, जैसे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा उसके चार ऑप्शन होंगे ए बी सी डी। अब इसमें जो जोन सा भी ऑप्शन सही होगा आप उस पर सर्कल कर दोगे। तो सर्कल जो करना है वो इस तरह से करना है, सपोज करने से पहले का बी सही है तो वो इस तरह से सर्कल करना है आपको, यानी कि इसके बाहर नहीं जाना चाहिए और ना ही बीच में कुछ स्पेस बचना चाहिए। बट यहाँ देख रहे हैं आप दो कॉलम एक्स्ट्रा है, एक तो स्टार एक हैशटैग। अब स्टार में क्या है, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 का बी सही था तो यहाँ पर आपको स्टार में बी लिखना होगा, ठीक है, स्टार वाले कॉलम में। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 में सी ऑप्शन सही है तो आप यहाँ पर लिख देंगे सी। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 में आपने स्टार्ट गलती से ए को, यानी कि ए ऑप्शन को आपने सर्कल कर दिया, डार्क कर दिया, बट ए ऑप्शन आपका आंसर नहीं है, आंसर आपको लगा कि वो आंसर जो था वो इसका डी सही था, तो आप स्टार वाले कॉलम में डी लिख देंगे, इसको इसी तरह से छोड़ देंगे। अब इसमें आपको पता है क्वेश्चन पेपर में चॉइस है, यानी कि 50 क्वेश्चन हैं आपको उसमें से 40 करने हैं, या 40 क्वेश्चन है उसमें से आपको 35 करने हैं। इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर फोर आपको करना नहीं, आप लीव कर रहे हो, तो आप हैशटैग वाला कॉलम यूज़ करोगे और इसमें क्वेश्चन नंबर 4 को, जहां पर 4 लिखा हुआ है, इसको आप पूरा कंप्लीटली डार्क कर दोगे, ठीक है, इस तरह से आप। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन किया आपने क्वेश्चन नंबर 5 का बी ऑप्शन सही है, आप डार्क कर देंगे, उसके बाद यहां पर बी लिख देंगे, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 6 आपने लीव कर दिया, आपको करना नहीं है, तो फिर वही तरीका कि आप हैशटैग वाला जो कॉलम होगा उसको आप डार्क कर देंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये सही तरीका है, यही तरीका आपको, यही वे यूज करना है बोर्ड एग्जाम में ओएमआर शीट यानी कि आंसर शीट को फिल करने के लिए। अब देखिए इसमें नीचे ऑप्शन है, राइट
करेक्ट ऑप्शन स्टार जो है वो करेक्ट ऑप्शन के लिए हैश टैग डार्कन सर्कल्स इन क्वेश्चन नोट अटेम्प्ट है, इसमें लिखा हुआ नीचे कि आप डार्कन कर दीजिए उसको जिस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे, और इसमें आपको ब्लैक और ब्लू वॉल पेन यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स ये पहला एग्जाम होगा आपका जो ऑब्जेक्टिव होगा यानी कि मल्टीपल चॉइस होगा, OMR शीट फिल करनी होगी। बहुत ध्यान से आपको एग्जाम में इसको फिल करना है और एक बार घर पे फिल करके आपको सीख लेना है कि किस तरह से हमें इसको फिल करना है शीट को। ओके गाइस, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके थैंक यू, हैव अ नाइस डे।